of Standard 1. You are here with Vivek sir for your second lecture of your third chapter, that is All Things Bright and Beautiful. So I am reading this for you. In the first lecture we had studied about the what God made for us, and in this lecture also we are going to study about more thing, that what the God has made more beautiful things. So let's start. I am reading it for you and you have to just listen carefully and understand it. Let's start. The purple headed mountain, the river running by, listen carefully. The purple headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brighten up the sky. जैसा कि यू नो अर्ली इन द मॉर्निंग यू वेक अप, सो फ्रेश एयर यू आर गेनिंग. आप हमेशा एक फ्रेश एयर लेते हो मॉर्निंग में, और जैसा ही यू आर सीइंग दैट द सन इज राइजिंग एंड द sun, you know, sunshine is coming to you, so you feel really good. उसके पहले कितना अंधेरा होता है, जैसे ही सूरज ऊपर आता है कैसे कितना ब्यूटिफुल एक दृश्य होता है, विच यू सीन, यू कैन सी विथ योर नेकेड आइज, जो आप देखते हो फील करते हो. ये सब किसने बनाया है? ये सब गॉड ने बनाया है. सो नेक्स्ट इज वॉट, द कोल्ड विंड इन द विंटर, द प्लीजेंट समर सन, द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, ही मेड ऑल he made them everyone. So you know what, you can feel just when you know feeling hot in the summer season, and again the rain comes, the cold wind comes, you feel so relaxed. How beautiful. Can you even think that who could do this? कौन ये कर सकता है और कौन ये करता है, ऐसा कभी आपने सोचा है? ये सोचिए, यही पोएम आपको बता रहा है, दैट ऑल द थिंग्स, ऑल दिस हैपनिंग इज मेड बाय ओनली वन गॉड. नेक्स्ट इज व्हाट, यू कैन एंजॉय, यू आर एंजॉयिंग द फ्रूट्स, यू नो राइप फ्रूट्स, द मैंगो सीजन इज देयर एंड यू आर गोइंग टू द गार्डन एंड पिक द मैंगोज. तो ये मैंगोज वगैरह जो है, ये सब किसने, कौन पकाता है गॉड को, कौन पकाता है मैंगोज को, कैसे वो पकते हैं? तो ये सब आप सोचोगे तो ऑल द थिंग्स इज मेड बाय गॉड. सो नेक्स्ट स्टार, नेक्स्ट पैराग्राफ, ही गेव अस आईज टू सी देम एंड लिप्स दैट वी माइट टेल हाउ ग्रेट अ गॉड अलमाइटी हु हैज मेड ऑल द थिंग्स वेल. देखिए, द मोस्ट थिंग, द सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज कि मान लीजिए यू आर, अगर हर चीज सुंदर है, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, बट वॉट इफ यू वॉन्ट हैव आईज टू सी दैम. क्या हो जब आपके पास आँख ही नहीं हो, आपके पास कुछ हो ही नहीं उसको फील और सी करने के लिए? तो ये सारी चीजें किसने दिया है? द गॉड, ओनली द गॉड हैज गिवन यू टू इंजॉय दिस पीस एंड टू सी दिस एंड इंजॉय एंड टेक अ पीस फॉर दैट. एंड नाउ दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर. This here is some word meanings which you have to learn, and you just have to focus on this and learn it. Okay, students, stay at home and take care. Thank you.